हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा ओप्पो A59 5G फ़ोन है, तो ओप्पो A59 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि आप कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर डाटा सेवर मोड को कैसे ऑन कर सकते हैं अपने ओप्पो A59 5G फ़ोन में, और डाटा सेवर मोड को ऑन कैसे कर पाएंगे ओप्पो A59 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम बताने वाले हैं कि डाटा सेवर मोड को कैसे ऑन कर सकते हैं और डाटा सेवर मोड कैसे ऑन कर पाएंगे ओप्पो A59 5G फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि डाटा सेवर मोड कैसे ऑन कर सकते हैं ओप्पो फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन्स हैं शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें से सेटिंग्स पे जाना है। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। तो आप कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर OTG ऑप्शंस को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और इसका आप यूज़ कैसे कर पाएंगे ओप्पो फ़ोन में, तो बताने वाले हैं। तो सिंपली सेटिंग्स है शो हो रही है, शो हो रही है, आप देख सकते हैं। तो आपके पास सेटिंग्स आ रही है, तो आपको इसमें जाना है नेटवर्क इंटरनेट पर, जिसपे जाकर आप डाटा सेवर मोड को ऑन कर सकते हो। डाटा सेवर मोड इनेबल करके आप उसका यूज़ कर सकते हो, डाटा सेव भी कर सकते हैं। इसके लिए सेवर मोड पे जाना है, तो सेवर मोड आपके फ़ोन में आ जाएगा, जिसको आप कुछ इस तरीके से अलाउ कर सकते हैं और ऑन कर सकते हैं, जिससे अपने मोबाइल डाटा को सेव कर पाएंगे, क्योंकि डाटा सेवर मोड आपके स्टेटस बार पर भी आ गया है। तो इस तरीके से डाटा सेवर मोड को ऑन करके फ़ोन डाटा को सेव कर सकते हैं अपने ओप्पो फ़ोन में, जिसका आप यूज़ भी कर सकते हैं और मोबाइल डाटा को भी सेव कर पाएंगे। एंड आप चाहें तो अनरिस्ट्रिक्ट डाटा ऐप्स को भी यहाँ से ऑन कर सकते हैं, जिससे जो भी अनरिस्ट्रिक्ट डाटा ऐप्स हैं ऑन करते हैं, उनके जरिए भी डाटा आपके फ़ोन में सेव होने लगेगा। तो इस तरह से डाटा सेवर मोड ऑन कर सकते हैं अपने ओप्पो फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें।